हाय, मैं हूँ श्रुति विद माय सेकंड नेचर। आज के एपिसोड में बात नहीं होगी, इंस्टेड होगी इको गिरी। तो अगर आप भी मेरे जैसे हैं, इंटेंट पूरा होता है कि किसी तरह ज्यादा इको फ्रेंडली बने, ज्यादा प्रोएक्टिव बने अपनी एवरीडे लाइफ में, कम प्लास्टिक यूज करें, घर से बिल्कुल जीरो वेस्ट निकले, नेचुरल तरीकों के साथ रहें, केमिकल फ्री बने, बट देन भी से यार कल कर लेंगे, या करना है बट बहुत मेहनत लगती है, शुरू कैसे करें, देन यू आर इन द राइट प्लेस। तो मैंने पिछले 20 साल सिर्फ वेट किया है। जब पोल्यूशन आसपास बढ़ जाता है तो थिंकिंग कि ये कब बदलेगा, हम कब बदलेंगे, बढ़ते वाटर लेवल्स, क्लाइमेट कंट्रोल की बातें, ये सब कैसे होगा, कब होगा, और फिर लंबा इंतजार। बट अब मैं अपने इंटेंट को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरी छोटी कोशिश आपकी छोटी कोशिश से जुड़ जाए। आई एम श्योर आप भी ये इकोगिरी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट कभी कभी इंटेंट होते हुए भी समझ नहीं आता कि शुरू कैसे करें। आपको मालूम है, हाल ही में एक जगह बारिश हुई तो आसमान से प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े गिरे। रिसेंटली एक रिसर्च में पाया गया कि हर इंसान ना चाहते हुए भी 5 ग्राम प्लास्टिक खाता है। यानी कि आप एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक अपने अंदर लिए घूम रहे हैं एट एनी पॉइंट। कैन यू इमेजिन? तो अब इस प्लास्टिक का क्या किया जाए? मतलब प्लास्टिक को लाइफ से पूरी तरह कट करके फेंक तो नहीं सकते ना। जब मैं बाय मिस्टेक सब्जी वाले से प्लास्टिक थैलियां ले आती हूँ, या नया टूथब्रश खरीदती हूँ, या मेरे नए पौधों के लिए प्लास्टिक के गमले लेके आती हूँ, प्लास्टिक तो वहां भी है। तो सबसे कॉमन रिएक्शन नॉर्मली मिलता है, तो क्या करें, जीना छोड़ दें क्या? अरे एब्सोल्युटली नॉट। पर छोटी आदतें तो बदल सकते हैं। प्लास्टिक की जगह बैम्बू बेस्ड ईयरबड्स एंड टूथब्रश तो यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली प्लास्टिक के गमलों के बजाय मैंने कॉयर के गमले ऑर्डर किए, एंड ट्रस्ट मी दे आर अमेजिंग, कम्प्लीटली यूजेबल एंड इको फ्रेंडली। तो इन सारी चीजों को देख के मैंने डिसाइड किया कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अब से ये कुड़कुड़ बंद। सिर्फ सोच के एंग्शियस एंड दुखी होने से कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, बट मैं अपनी पर्सनल सराउंडिंग का ध्यान तो रख सकती हूँ। सो लॉकडाउन की वजह से पोल्यूशन का कम होना, पानी का साफ होना, मरीन लाइफ का बेहतर होना, आई मीन कम ऑन, किसने उन स्टनिंग डॉल्फिन्स को बीच के इतना पास आने वाला वीडियो नहीं देखा है? किसी काम को नई नजरों से देखो तो आपके एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते ही रिजल्ट्स बदल जाते हैं। स्मॉल स्केल पे अगर ये पॉसिबल है तो हम सब अपने स्तर पे ये बदलाव लाएंगे, देन इट्स नेचुरल कि बड़े स्तर पे भी चेंज आएगा ही। तो आपको और मुझे 100% परफेक्ट ओवरनाइट बिल्कुल नहीं बनना है। थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में इंक्लूड करते हैं, थोड़ी सी इकोगिरी करते हैं। अब सबसे पहले कि प्लास्टिक की थैलियों का मुद्दा समझना जरूरी है। 50 से नीचे की माइक्रोन वाली थैलियाँ वो इतनी हल्की होती हैं कि जानवर उसे पत्ता समझ के खा लेते हैं, एंड ना वो रिसाइकल की जा सकती हैं, ना उनसे कुछ और बन सकता है, ना उसे वापस यूज कर सकते हैं, लाइक वन टाइम यूज ओनली। एंड दैट्स व्हाई ये सबसे भयंकर एंड वर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक है। सालों साल मिट्टी में दबे रहने के बाद भी वो खत्म नहीं होती, यानी कि बायोडिग्रेडेबल तो बिल्कुल ही नहीं है, इसीलिए सरकार ने बैन कर दिया है। बट वॉट अबाउट 50 माइक्रोन से ऊपर वाली थैलियां? वेल, उन थैलियों को एक बार, यस यू हर्ड इट राइट, सिर्फ एक बार रिसाइकल कर सकते हैं। बस फिर क्या, सेम कहानी, कचरे के ढेर में आज से हजार साल बाद भी एग्जिस्ट करने वाली प्लास्टिक की थैली। तो क्या किया जाए? सिंपल, यूज करना बंद करो। अब तो बैम्बू और स्टार्च से बनी थैलियां आ गई हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस हमें पता नहीं है। तो अब से, अरे नेक्स्ट टाइम कर लेंगे ना, वो कहना छोड़ो एंड चूज कॉन्शियसली। दुनिया में शहर के शहर लैंडफिल बन रहे हैं क्योंकि कचरा डालने की जगह नहीं है। ओशंस में इतना कचरा तैर रहा है कि आउटर स्पेस से विजिबल है। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इट्स कॉल्ड द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, आप खुद रिसर्च करके देख लीजिए। अब ये सारी बातें जब मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे एक पॉलिथीन बचाने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व तो होगी नहीं, तो क्या करें? वेल, नॉर्मली आप क्या करते हो? मैं भी वही करती हूँ, इग्नोर करते हैं। तो ये पॉडकास्ट जजमेंट्स पास करने या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यहाँ हम हमारे लेवल पे क्या छोटी सी मदद कर सकते हैं खुद के लिए, उतना काफी है। बिकॉज कलेक्टिवली अर्थ एज अ प्लैनेट हम सबका है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, और कोई ऑप्शन नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता, एक ही है, धरती नहीं बची तो कहाँ जाओगे? तो लैंडफिल एक एंड रिजल्ट है हमारे कलेक्टिव एक्शन का। ऐसा करते हैं ना,
पहले हम अपना घर और हमारी आदतें इको फ्रेंडली बनाते हैं, तभी लॉन्ग टर्म में सब सुलझेगा। अच्छा मुझे बताइए, आपने लास्ट शॉपिंग कब की थी? बाय चांस याद ना आ रहा हो, इजीएस्ट तरीका बताऊं, अपने डस्टबिन से पूछिए। तो क्या कहा आपके डस्टबिन ने? माय गॉड, कितनी शॉपिंग करते हो ना आप। नहीं, लेकिन सीरियसली, उसमें जितना पेपर टाइप कचरा आपको दिख रहा है वो नेचुरली बायोडिग्रेडेबल है, बट जो प्लास्टिक की रैपिंग, थैलियां, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर की प्लास्टिक, सारे मटेरियल्स की बॉटल्स, एल्यूमिनियम कैंस, ये सब जो सामान है, ये है आपका कचरा जो रिसाइकल होना जरूरी है, क्योंकि इसको बायोडिग्रेड होते होते हजारों साल लग जाते हैं। तो अगर अभी ये सुन के यू गॉट सुपर हैप्पी के अरे वाह, बस प्लास्टिक की थैली तो बंद करनी है, बाकी सब तो रिसाइकल हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम क्या है? वेल, सब चीजें रिसाइकल नहीं हो सकती। इन सब चीजों में भी हिडन प्लास्टिक्स होते हैं, जिसकी वजह से जब रिसाइकलिंग प्लांट में ये चीजें पहुंचती हैं, प्रॉब्लम्स तब खड़ी होनी शुरू होती हैं। तो सोल्यूशन क्या है? एक्चुअली वेस्ट को समझने का ना एक तरीका है, उसे कहते हैं वेस्ट पिरामिड। तो सबसे पहले तो रिफ्यूज करो। आई नो डिफिकल्ट है ना बोलना, स्पेशली शॉपिंग के टाइम, लेकिन सिर्फ उतनी चीजें खरीदो जिसकी आपको एक्चुअली जरूरत है, बट कॉन्शियसली स्टार्ट रिफ्यूजिंग थिंग्स। फिर आता है रिड्यूस, कि मान लो नॉर्मली आप 5 से 6 चीजें खरीदते हो ऑन एन एवरेज, क्या वो सारी जरूरी हैं या 3 से भी काम चल जाएगा? तो थोड़ा दिमाग लगा के जीना शुरू करोगे तो सडनली रियलाइज होगा कि हाँ, हमारा तो 2-3 चीजों में भी एक्चुअली काम चल जाएगा। ऑर्डर हम 5-6 करते हैं, बाकी चीजें तो वेस्ट पड़ी रहती हैं। फिर आता है रीयूज। ऑलरेडी हम सबके घर काफी भरे हुए हैं, उनमें काफी ऐसी चीजें हैं जो हम क्रिएटिव होके रीयूज कर सकते हैं, मतलब और कब हमारा जुगाड़ूपन काम आएगा नहीं। फिर आता है रिपेयर। अब ये बहुत ब्रिलियंट चीज है, क्योंकि हमारी नानी दादी के जमाने में वो हर चीज को रिपेयर करते थे, विच वॉज सो वंडरफुल। तो बस हमें वही करना है, कुछ टूट जाए, कुछ गिर जाए, कुछ फट जाए, पहले उसे रिपेयर कीजिए। जरूरी नहीं है कि एक छोटा सा कट आ गया तो सबसे पहले उठा के फेंक दे, उसे रिपेयर करके रीयूज करना सीखिए। और जब ये सारे घरेलू चीजें ना हो, तब आता है रिसाइकल। और रिसाइकलिंग के बाद एक प्रोसेस होता है कॉल्ड रिकवर, जो हम नहीं कर सकते, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट लेवल पे जरूर रिकवरी की जाती है कि कुछ ऐसा सामान जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो यूज हो सकता है, उसे लेके रिकवर कैसे किया जाए किसी और चीज के अंदर यूज करने के लिए। और जब ये सारी स्टेजेस हो जाती हैं खत्म, तब हम आते हैं डिस्पोज पे। तो ये है आपका वेस्ट पिरामिड। एंड बाय द वे, दुनिया में सारी सिर्फ सैड और बैड चीजें ही नहीं हो रही हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हैं। कचरे को क्रिएटिव तरीके से हैंडल किया जा रहा है, प्लास्टिक को मेल्ट करके रीपर्पस्ड फर्नीचर बनाया जा रहा है, इको ब्रिक्स यूज हो रही हैं, बायोडिग्रेडेबल बैग्स बन रहे हैं बैम्बू एंड स्टार्च से। हाल ही में मैंने सुना है इनफैक्ट कि प्लास्टिक को लिक्विड फ्यूल के जैसे भी यूज करने की इन्वेंशन आ रही है, और प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करके एक ग्रोइंग मशरूम प्लांट के साथ उसको सिंथेसाइज किया जा रहा है, ताकि आप घर के घर खड़े कर सकते हो उस मशरूम के साथ। How cool is that? अब ये पहला इकोगिरी का एपिसोड है, बट अगली बार से हम प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्यूशंस पे फोकस रखेंगे। तो मेरी पर्सनल एक्टिव इकोगिरी शुरू हुई थी अप्रैल 2020 में। आई डिसाइडेड कि मैं कुछ तो करना शुरू करूं, तो आज आप भी वो कर सकते हैं जो मैंने किया था। आई मेड बनाना पील फर्टिलाइजर एंड वेस्टेड स्लशी फॉर प्लांट्स। कैसे? वेल, जब केला खाएंगे तो उसका छिलका फेंकने के बजाय एक रिसाइकल्ड कांच की बॉटल में पानी भर के 2 दिन तक रख दीजिए, फिर ये जो पानी है उसको पौधों में डाल दीजिए। एज सिंपल एज दैट, आपके प्लांट्स को फॉस्फोरस मिलेगा, जो मेन काम करता है बाकी न्यूट्रिशन को प्लांट्स के अंदर तक पहुंचाने का। ऑल्सो एक हेल्दी शाइन के लिए आप छिलके को डायरेक्टली लीव्स पे भी रब कर सकते हैं, और बाय चांस कुछ बच जाए तो उसे स्लशी में डाल दीजिए। ऑल्सो ऑन द साइड, आप छिलके को रोस्ट करके खा भी सकते हैं, इट्स वेरी डिलिशियस। बट नाउ फॉर वेस्टेड स्लशी, जिसका वीडियो बाय द वे मैंने इकोगिरी के पेज पे भी शेयर किया है ऑन इंस्टाग्राम। मैंने घर के किचन वेस्ट को फेंकने के बजाय पूरे दिन का कचरा एक डब्बे में कलेक्ट किया, एंड मिक्सी में थोड़े पानी के साथ उसकी स्लशी बना दी, और फिर पौधों में डाल दिया। एंड नो, इट डजंट स्टिंक। एक फ्रेश कट ग्रास टाइप की जो स्मेल है ना, वैसी आती है। न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन, घर से जीरो कचरा निकला, एंड बोनस पॉइंट, 15 दिन बाद छोटे छोटे पौधे स्प्राउट करेंगे ऑल ओवर। वेल, आई हैव गॉट पपाया, खीरा, टिंडे, मिर्ची, नींबू, एंड ऑल दिस फ्रॉम वेस्टेड स्लशी सो फार। नेचर कितनी अमेजिंग है, राइट? यू मस्ट ट्राई इट।
और जब ट्राई करेंगे तो आई वॉन्ट टू नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेल मी ऑन strongjad@gmail.com या मुझे आप इंस्टाग्राम पे श्रुत्सपा टाइप करके ढूंढे एंड मैसेज भेजिए। वेल, नेक्स्ट वीक के एपिसोड पे होगी एक्सट्रीमली हाई एनर्जी, क्योंकि माइक ऑफ पे मैं बात करूंगी विद एन अमेजिंग वॉइस एक्टर, MC एंड RJ फ्रॉम रेडियो सिटी 91.1 FM, अर्चना पनिया से। Definitely log in for that one and remember, press follow on My Second Nature with Shruti.